रूम 2003 मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया है, जो मिस्ट्री हॉरर से भरी हुई मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रूम देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें एक नोटबुक देखने के लिए मिलती है जिस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है। तभी हमें जहाँ पर सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक लड़का उस दीवार की मरम्मत करता हुआ दिखाई देता है रूम की, और तभी हमें वहाँ पर उसका ओनर आता हुआ दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन का, और जे बोलता है कि हमने इस रूम को काफ़ी बार सही करने की कोशिश करी है लेकिन जिसमें ये छेद अपने आप ही दीवार में हो जाता है। तुम इस पर वॉलपेपर लगा के शाम होने से पहले ही चले जाना क्योंकि इस पर काफ़ी सारी हत्याएं होने का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो लड़का काम करते करते थोड़ा अंधेरा कर देता है और उसे वहाँ पर एक नेकलेस देखने के लिए मिलता है। तभी हमें यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती हुई दिखाई देती है जो उसके साथ बेरी पना शुरू करती है। वो उस नेकलेस को उसको पहना देता है और उसकी गर्लफ्रेंड अपने आप को ही मार देती है थोड़ी सी जीवो गरीब हरकतें करने के बाद, और तभी हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मूवी की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर मूवी की मेन स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर एक गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है उसके अंदर हमें एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें किम देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है और उसके पेरेंट्स उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसका रिश्ता उनके साथ गुड टर्म्स पर नहीं होता। अब उसके पेरेंट्स उसे एक बिल्डिंग के आगे उतार देते हैं और जहाँ पर वो बिल्डिंग के अंदर जाती हुई हमें दिखाई देती है। तभी वो जहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम हमें इजी देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और हमें जहाँ पर यह पता लगता है कि इजी एक्टर बनना चाहती है और किम जहाँ पर जर्नलिस्ट बनना चाहती है। अब जहाँ पर वो बिल्डिंग के ओनर से मिलते हैं जिसका नाम हमें रोनन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक ओल्ड ऐसा आदमी होता है जो कि देखने में काफ़ी साइको सा लग रहा होता है, काफ़ी चुपचाप सा होता है। अब जहाँ पर वो रूम 203 को इंट्रोड्यूस करवाता है उनसे, और जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है कि वो एक तरह से उस रूम को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर किम भागे भागे अपने कॉलेज की ओर जाती है, यूनिवर्सिटी की ओर, क्योंकि उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती हैं। और जहाँ पर हमें एक लड़के की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसका नाम इयान होता है, वो भी जर्नलिस्ट की स्टडी कर रहा होता है। अभी हमें जहाँ पर किम अपने रूम में वापस आती हुई दिखाई देती है 203 में, और जहाँ पर रूम 203 में एक मिरर होता है जो कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा वॉरियर वाले और काफ़ी पुरातन निशानों से बना हुआ होता है जिस पर डेथ के साइंस होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर शॉट टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर किम को एक बहुत ही बॉक्स सा मिलता है जिसके अंदर एक कपल होता है जो कि डांस कर रहा होता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर इजी देखने के लिए मिलती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है, और जहाँ पर चुपचाप सी वो वहाँ पर उदास सी होकर सिगरेट पीने लगती है, और जहाँ पर वो एक दोस्त को मिलती है और उसके साथ थिंग्स करती है, शो आगे बढ़ जाता है। तभी हमें यहाँ पर किम देखने के लिए मिलती है रात के अंधेरे में, और वो शेद की ओर देखना शुरू कर देती है और वो शेद अपने आप ही बड़ा होना शुरू हो जाता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर इजी देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से थोड़ी अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर देती है क्योंकि उसने वो नेकलेस पहन लिया होता है जो कि उसे उस शेद में से मिला हुआ होता है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर किम अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड कर रही होती है, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर किम इयोन के साथ देखने के लिए मिलती है जो कि आपस में बातें करते हैं। अब जहाँ पर हमें किम के पीछे का पूरे का पूरा वो मिरर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमें एक वॉरियर देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ही बुरी तरह से तलवार से किसी को मार रहा होता है। अब जहाँ पर हमें इयान और किम इन्जॉय करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर हमें किम अपने रूम में वापस आते हुए दिखाई देती है, जैसे ही किम उस शेद की ओर देखना शुरू करती है क्योंकि उस शेद में से बहुत ही बुरी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही किम उसके पास जाती है तो वहाँ से कहीं से की चिल्लाने की आवाज़ आती है और किम डर के वापस आ जाती है। अब जहाँ पर किम भागे भागे इजी के पास जाती है और हमें इजी वहाँ पर बेसमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर रोनन दे देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जे बोलता है कि मैंने तुम लोग को वहाँ पर जाने के लिए मना किया था। अब जहाँ पर किम और इयान उस मिरर को देखने के लिए मिलते हैं जिसपे काफ़ी सारे निशान बने होते हैं, और जहाँ पर इयान एक तरह से उस मिरर की फ़ोटो लेने लगता है और जहाँ पर उस क्लॉक को भी देखने लगता है, घड़ी को भी, उस बॉक्स को जहाँ पर वो कपल डांस कर रहे होते हैं। अब जहाँ पर इयान उस शेक को देखता है और जहाँ पर सर्चिस करना शुरू कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पर मेन सीन टर्न होता दिखाई देता है और हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि एक बैंक मैनेजर ने अपनी प्रेग्नेंट बेबी का मर्डर कर दिया था, देन उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। अब जहाँ पर हमें किम और इयान इसी के बारे में खोज करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर दोनों आपस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बीच में इंटीमेट थिंग्स होती हैं, और जहाँ पर शो टर्न होता हुआ हमें दिखाई देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर किम एक तरह से इजी की लाइफ के ऊपर बुक लिख रही होती है, क्योंकि इजी की लाइफ में जो सब चल रहा होता है वो एक रियल बेस्ड थिंग्स होती हैं जिसके ऊपर किम एक बुक लिख डालती है उसका नाम बिना मेंशन किए। अभी हमें यहाँ पर इयान देखने के लिए मिलता है जो कि चर्च के अंदर जाता है और वहाँ पर वही मिरर्स को देखना शुरू कर देता है जहाँ पर मिरर्स के ऊपर काफ़ी सारे निशान होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि इयान को एक तरह से सुराख मिल गया है।
अब जहाँ पर किम जांच पड़ताल करते हुए एक पर्सन के पास जाती है जो कि उस बिल्डिंग में था पहले, काफी समय पहले। यहाँ पर ओल्ड पर्सन ये बताता है कि मैंने रूम 203 में एक पर्सन को देखा था जिसने अपनी बीवी को मार दिया था। मैंने जब उसको देखा था तो मैं वहीं पर स्टैचू हो गया था। मैं कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि वो एक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तभी जहाँ पर किम जे सुनके वापस आ जाती है और रूम 203 में बैठने लगती है। अब जहाँ पर इजी और किम के बीच में फिर से फाइट होती है और इजी वहाँ से चली जाती है। किम उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी हमें जहाँ पर इयान सर्च करता हुआ दिखाई देता है और तभी हमें यहाँ पर मोरिगो के बारे में पता लगता है। मोरिगो एक मौत की देवी होती है जो कि निशान उसे मिरर पर मिला था। तभी हमें यहाँ पर शॉट टर्न होता हुआ दिखाई देता है और इयान एक तरह से किम को कॉल करता है। अब जहाँ पर इयान भागता भागता किम के पास जाता है और जहाँ पर किम रोनन के पास जाती है और रोनन को जे बोलती है कि मुझे उसका सच पता लग गया है, और जहाँ पर किम उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। अब जहाँ पर रोनन जे बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, अब जे सारा काम खत्म करना मेरी जिम्मेवारी है। और किम जहाँ पर जे बोलती है कि मैंने तुम्हारे फादर को देखा हुआ है। अब जहाँ पर रोनन किम को पूरी तरह से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, और जहाँ पर काफ़ी सारे सिम्बल्स उसने ज़मीन पर लिखे हुए होते हैं जिसके ऊपर किम को उसने लेटाया हुआ होता है। तभी जहाँ पर शो टर्न होता है और हमें जहाँ पर इयान की एंट्री देखने के लिए मिलती है। जैसे ही इयान की एंट्री होती है तो रोनन उस पर अटैक कर देता है पीछे से, और जहाँ पर हमें इयान का किस्सा खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर जे देख के किम थोड़ा चिल्लाने लग जाती है और जहाँ पर रोनन एक तरह से उस बुक में से मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है, और जहाँ पर मोर्गी को जे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, इसको एक्सेप्ट करो और जो भी जहाँ पर है वो मुझे वापस कर दो। जैसे ही किम जो बोलती है कि मैंने उसके फादर्स को देखा हुआ है, तो रोनन जे बोलता है कि मुझे पता है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर रोनन किम को मारने की कोशिश करता है उस नोटबुक को देखने के बाद, लेकिन किम किसी तरह से करके वहाँ से बच के भाग जाती है। अब जहाँ पर किम रोनन की आंख में चाकू को घुसा देती है और वहाँ से भागना शुरू करती है। यहाँ पर किम वहाँ से भागने लगती है और भागती भागती बेसमेंट की ओर जाती है, और हमें वहाँ पर रोनन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर रोनन और किम के बीच में फाइट होती है और जहाँ पर रोनन को किम बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अब जहाँ पर मेन सीन टर्न होता है और मेन सीन टर्न होकर हमें इजी की एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर इजी के हाथ में गन होती है और वहाँ पर वो एक तरह से पूरी चुड़ैल में बदल चुकी होती है। वो एक मिनट के लिए इजी बनती है और एक मिनट के लिए कुछ और ही बन जाती है। अब जहाँ पर इजी को बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पोजेशन का पूरी तरह से शिकार हो चुकी होती है। अब जहाँ पर किम इजी को बचाती हुई दिखाई देती है और काफ़ी सारे स्ट्रगल करने के बाद किम इजी को बचा देती है। अब जहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होते ही जहाँ पर हमें रूम 203 देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर किम क्या करती है, उस मिरर को तोड़ देती है। जैसे ही वो उस मिरर को तोड़ती है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जहाँ पर हमें काफ़ी सारे क्रो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि क्रो जो होते हैं वो मुर्गी का एक तरह से चिन्ह होते हैं, मौत की देवी का। और इस तरह से हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर हमें इजी और किम फिर से गुड टर्म पर दिखाई देते हैं, फ्रेंड्स बनती हुई दिखाई देती हैं, और जहाँ पर किम को एक स्ट्रक्चर पर ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और इस तरह से हमें रूम 203 का एंड होता हुआ दिखाई देता है। आई होप कि आपको हमारी जो रूम 203 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।